Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Guys, जैसा आप लोग देखे थे last video में अपन लोग चेक पोस्ट पहुँच गए थे after Atal Tunnel. तो वहाँ मैं जो है BRO के जो है रोड फीस थी 50 रुपीस फॉर टू व्हीलर्स, वो पे करके मैं निकल पड़ा हूँ जिस्पा की जर्नी पे. जैसा मैं लास्ट वीडियो में आपको बता रहा था कि मैं कीलोंग तक पहुँचूँगा, लेकिन रोड कंडीशंस प्रॉपर है और मुझे उतनी ट्रैफिक भी नहीं मिली अटल टनल के बाद. तो मैं आज कम्प्लीटली जिस्पा वैली तक जाऊँगा. सो बीच में मुझे दो से तीन जो है छोटे विलेजेस मिलेंगे. आई थिंक एक सिसू रहेगा, उसके बाद मैं डायरेक्टली जो है किलोंग पहुँचूँगा. किलोंग के बाद मैं जिस्पा वैली पहुँचूँगा, जहाँ पर मैं आई एम प्लानिंग टू डू अ टेंट. जो है रात में वहाँ टेंट पे रहूँगा सोच रहा हूँ मैं, तो कैंपिंग जो है टेंट कैंपिंग करना सोच रहा हूँ अभी. चलिए आप बने रहिए वीडियो पे, स्टे ट्यून ऑन दिस वीडियो. आगे चल के मैं आप लोग को बताते रहूँगा कि ये जर्नी में, तब तक आप लोग इन्जॉय करिए ब्यूटिफुल सीनिक व्यू. दोनों तरफ आपके बड़े बड़े पहाड़ है और लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे रिवर, बीस रिवर जो है बह रही है. तो बने रहिए वीडियो पे, मिलेंगे क्विकली आगे. थोड़ा आगे बढ़ने के बाद व्यूअर्स देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है. आई डोंट नो हाउ मच माय कैमरा इज जस्टिफाइंग. अभी मैं सिसु पहुंचा हूँ. सिसु है 10,200 फीट पर. सो स्लोली स्लोली मेरा एलिवेशन भी बढ़ रहा है. ये एक और एक द्वार है. आई थिंक आई एम गोइंग टूवर्ड्स किलोंग. वन मोर ब्यूटिफुल लैंडस्केप आप देख रहे होंगे मेरे लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड. पूरे जो है बहुत बड़े झाड़ और माउंटेन्स है एंड स्काई इज़ वेरी मच क्लियर. बहुत ही क्लियर स्काई है. अभी मैं समझता हूँ मैं किलोंग के बहुत ही करीब हूँ. यहाँ से थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है. सो यहाँ पर जैसा मुझे बताया गया है ओनली जियो का नेटवर्क है. सो अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं लेह लद्दाख के लिए, तो इफ़ पॉसिबल एक जियो की सिम आप लोग याद से कैरी करें, ताकि आप जो है नेटवर्क जोन में रहेंगे. चलिए मैं क्विकली थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ाऊँगा और आगे आप लोग को बताऊँगा जो पेट्रोल पंप लास्ट है वो पंप भी बताऊँगा आप लोग को. और लेफ्ट हैंड पे अभी थोड़ी देर पहले आप देखे होंगे टेंट्स भी है. तो बीच में बहुत सारे आपको स्टे ऑप्शंस मिलेंगे टेंट्स के. अगेन डिपेंड है आपकी आइटनरी में आप लोग कहाँ पर स्टॉप लेना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग जो है स्टॉप ले सकते हैं. तो किलोंग, जिस्पा, सिसु, हर जगह आपको जो है स्टे ऑप्शंस है. सो क्विकली मैं अभी चलिए वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और मैं आगे का आपको बताऊँगा कि जैसे ही मैं किलोंग पहुँचूँ. सो स्टे ट्यून ऑन दिस वीडियो. रेड व्यूअर्स देखिए एक बहुत ही प्यारा जो है ये रोड्स है जहाँ पर ये माउंटेन्स दिख रहे होंगे आपको. मैं अभी सोच रहा था कि कैमरा बंद करूं, बट आई डोंट नो, मैं मुझे इतने प्यारे सीनिक व्यूज़ दिख रहे हैं कि मुझे दिल भी नहीं बोल रहा है कि ये कैमरा बंद करना है. देखिए बहुत सामने देखिए एक स्नो कैप माउंटेन है लेफ्ट हैंड पे कम्प्लीटली, जब से पूरी एक रिवर बह रही है और रोड भी बहुत ब्यूटीफुल है गाइस. जो व्हेन यू आर ड्राइविंग ये सीनरीज देखते देखते आपको केयरफुल ड्राइव भी करना है. सो स्टे ट्यून ऑन दिस वीडियो. वॉट अ ब्यूटिफुल व्यू देख रहे होंगे आप. पूरे स्नो कैप्ड माउंटेन्स. ऑलमोस्ट गोप्रो बंद करने का मेरे को दिल नहीं बोल रहा है, लेकिन ड्यू टू स्पेस कंस्ट्रेंट मैं बीच में बहुत जगह से स्टॉप कर रहा हूँ. लेकिन अगर आप देखेंगे
तो बहुत ही ब्यूटीफुल सीनिक व्यू है। यूजुअली लेह लद्दाख जब भी जाते हैं अपन, तो ये पूरा जो है रास्ता ही बहुत ही ब्यूटीफुल रहता है। पहुँचे बाद डेस्टिनेशन उतना आपको मज़ा नहीं देगा। तो आप जैसा गौर कर रहे होंगे, मनाली से जब से मैं निकला हूँ, जब वो बाईपास करके अपन जो रोड्स आ रहे हैं, पूरे टनल्स, पूरे रोड्स बहुत ही खूबसूरत है। एंड चलिए बने रही है वीडियो पे, होप यू आर एंजॉयिंग दिस वर्चुअल ट्रैवल। यहाँ तक वीडियो मेरा देख चुके हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ पॉसिबल शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। यहाँ पर जैसा आप देख रहे होंगे, रास्ते में बहुत सारे होटल्स हैं और स्टे ऑप्शंस भी बहुत है, होम स्टेज ऑप्शन भी है। सो अगेन, जैसा मैं आपको लास्ट में बता रहा था कि आपके आइटनरी के बेस्ड पे आपको जहाँ भी स्टॉप ओवर लेना है उसके अकॉर्डिंग में आप स्टॉप ओवर ले सकते हैं। तो ये भी जो हाई अल्टीट्यूड एरिया है, बट फिर भी दिस इज़ बेटर देन जो भी आगे की जगह है। सो बने रहिए वीडियो पे, क्विकली मैं आगे जाऊँगा और आगे आप लोग को बताऊँगा। राइट व्यूअर्स, जैसा आप फिर देख रहे होंगे, राइट हैंड में टेंट्स के स्टे ऑप्शंस है, थोड़े बहुत राइडर्स भी मुझे मिले। सो ये जगह पर भी बहुत सारे फोटोग्राफी हो रही है। सो इट्स अ नाइस स्पॉट, एक बोल सकते हैं आप, यहाँ पर एक इट्स लाइक अ व्यू पॉइंट, सो जहाँ से आप अच्छे फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। बट मुझे क्विकली अभी कीलोंग पहुंचना है, सो अभी मैं रुक रहा नहीं हूँ। वाइल आई एम कमिंग बैक और रिटर्न, मेरी ये सेम रूट है, सो इफ़ पॉसिबल वो टाइम मैं रुक के थोड़े बहुत फोटोग्राफ्स लूँगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल सीनिक व्यू है, स्नो कैप माउंटेन्स है एंड रोड बहुत ही बटर स्मूथ है। सो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द मैं जो है पहुँच जाऊँ कीलोंग, या फिर जिस्पा तक पहुँच गया तो बेटर है। एंड मुझे पेट्रोल भी फिल कराना है जिस्पा पर, बिकॉज वहीं पर जो है लास्ट पेट्रोल पम्प है। मेरे राइट हैंड पे देखिए ब्यूटीफुल रॉक है, ये देखिए जो काट कर ये रोड बनाए थे, देखेंगे आप, बहुत ही ब्यूटीफुल माउंटेन है मेरे राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे एज यूजुअल रिवर है एंड इट इज़ कम्प्लीटली, देखिए थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, बट देखा जाएगा तो ये पूरा स्ट्रेच जो अटल टनल के बाद है, इट्स अ बटर स्मूथ रोड। कहीं कहीं पर रफ पैच है, लेकिन इट इज़ जस्ट लाइक 100-200 मीटर्स, बट रोड बहुत ही ब्यूटीफुल है, थैंक्स टू BRO बॉर्डर्स। जो है ये लोग बहुत अच्छा मेंटेन करे हैं BRO, तो हैट्स ऑफ टू देम, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। चलिए क्विकली मैं आगे बढ़ूंगा और आप लोग को नियर बाय कीलोंग मिलूंगा। Alright viewers, finally I have reached Keelong, so I'm going to take lunch break here. So ये view आ रहा है होटल के बालकनी से। Alright viewers, जैसे ही मैं लंच ब्रेक कम्प्लीट करा, ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स का ब्रेक लिया, अब मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स जिस्पा वैली। तो यहाँ पर मुझे ये पता चला Keelong में कि बॉर्डर जो है आफ्टर 4 or 4:30 क्लोज हो जाता है, जो बारालाचा पास के लिए जाना था मुझे। सो आई एम गोइंग टू स्टे इन जिस्पा वैली टुडे,
नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं अराउंड 10 o'clock स्टार्ट करूँगा जो है सर्चों के लिए. इनफैक्ट हो अगर सब आगे सही ठीक चला तो मैं इन वन शॉट जो है पैंग तक जाऊँगा. देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल जो है पहाड़ है, देखिए माउंटेंस है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड का व्यू देखिए बहुत ही सीनिक है. सो बने रहिए वीडियो पे, मैं आपको चलकर बताऊंगा कि कहाँ पर मैं टेंट स्टे लेने वाला हूँ, जैसा कि मैं आपको बता रहा था. सो जिस पर पहुँचे बाद मैं आपको फर्दर डिटेल्स दूंगा. सो स्टे ट्यून ऑन दिस वीडियो. वेलकम बैक व्यूअर्स. तो अभी मैं पहुंचा हूं जेस्पा. आज हम लोग पहुंचने वाले थे टिल सरचू, लेकिन हम लोग आगे बॉर्डर तक जाकर वापस आए क्योंकि बारालाचा में थोड़ा वेदर कंडीशन ठीक नहीं है, उसकी वजह से जो है बॉर्डर क्लोज है. और हम लोग भी यहां पहुंचे तक जेस्पा जो है 5 बज गए थे. सो यूजुअली बॉर्डर थोड़ा रिस्की रहता शाम में पहुंचने, जैसा आप पीछे देख रहे हैं. अभी ये टेंट स्टे है, आप लोग चेकआउट करिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसके पूरे मैं डिटेल्स दूंगा. और इवन मैं टेंट का जो है एक ओवरव्यू बनाया हूं, वो ओवरव्यू भी जो है आप लोग वीडियो में सिनेमैटिक एंजॉय करिए. एंड पूरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिटेल्स दूंगा ताकि आप लोग जब भी आएँ यहाँ पर स्टे करेंगे. और मैं आपको भी चलते चलते बताऊँगा. होप यू आर इन्जॉइंग दी लेह लद्दाख सीरीज़. सो गाइस सिट बैक एंड एंजॉय दी वर्चुअल ट्रैवल. पीछे देखिए अभी भी माउंटेन्स पे स्नो है. बिकॉज मैं अभी हाई अल्टीट्यूड पे हूँ तो मैं ज़्यादा बात भी नहीं कर सक रहा हूँ, थोड़ी बहुत सांस फूल रही है. देखेंगे आप पीछे. सो दिस इज़ समथिंग आई कैन से, इट्स ए सनसेट व्यू. बहुत ही प्यारा व्यू है गाइस, इट इज़ समथिंग लाइक यू आर इन हेवन. वेरी ब्यूटिफुल. एंड एक चीज़ अच्छी क्या है, ये यहाँ पर जो स्टेज है यहाँ पर आपको पार्किंग ईजिली है, टेंशन नहीं है. आप 2-wheeler या 4-wheeler जैसे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, मैं तो अपनी 2-wheeler पे जो है मेरा लेह लद्दाख ट्रिप करूँगा. तो सिट बैक एंड एंजॉय दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. एंड वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक ठोक कर जाइए. ये एक क्विकली मैं एक ओवरव्यू दूंगा आप लोग को टेंट का अंदर का. एंड यहाँ पर अभी जो मुझे मिला है वो टेंट मिला है 2500 का. सो प्राइसेस मे डिफर बेस्ड ऑन द सीजन. लेट मी शो यू द वॉशरूम. ओके लाइट डालना पड़ेगा, स्विच ऑन द लाइट. Here you go. So this would be your washroom. And guys, यहाँ पर hot water facility नहीं रहेंगी because tent again ये थोड़ा raw रहेगा. ये पूरा अंदर से ऐसा दिखता है tent. ये बाहर का पूरा view है. यहाँ से देखिए पूरे snow capped mountains और close by river है. यहाँ से मैं आया देखिए road से. सो एक्चुअली मेरा GoPro हैंग हो गया था तो मैं रास्ता नहीं बता सका, लेकिन ये टेंट्स जो है जेस्पा वैली में अवेलेबल हैं.